दाल कैसे लीक हो गई? हेलो सर। हाँ हेलो। सर वो जो आपने ऑर्डर पे डिलीवरी करने के लिए दिया था ना, तो दाल लीक हो गई है। शायद पैकेजिंग सही से नहीं थी। हाँ तो दाल लीक हुई तो तुम्हारी गलती होगी, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। ऑर्डर डिलीवर करो वरना पैसे तुम्हारे कटेंगे। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हेलो क्या करूँ? क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? सर वो रेस्टोरेंट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी पैकेजिंग सही से नहीं हुई थी, इस वजह से ये दाल लीक हो गई है। तो सर कस्टमर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, और अगर वो रेस्टोरेंट में कॉल करके पूछेगा तो वो भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। ऑर्डर जमीन पे गिर गया था क्या? नहीं सर। तो दिक्कत क्या है, जब ये जमीन पे नहीं गिरा, इस पे मिट्टी नहीं लगी, तो खाना खराब कैसे हुआ? सर आप समझ रहे हैं ना, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो इंसान भी समझेगा। देखो आप कस्टमर को समझाओगे ना तो वो समझ जाएगा, आप टेंशन मत लो ज्यादा। ठीक है सर। सर आप तुम मेरे ही ऑर्डर की बात कर रहे थे उस टाइम? यस सर। सर आपका ऑर्डर सुनो, मेरे को ये ऑर्डर नहीं चाहिए, ये गिरा हुआ था, मेरे लिए नया ऑर्डर लेकर आओ, जाओ। सर लेकिन उस टाइम तो आप ये कह रहे थे कि जिसका भी ऑर्डर होगा उसे समझा देना, वो समझ जाएगा। सुनो मैं जो बोल रहा था ना उस सबको भूल लो, और अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, मेरे को ये ऑर्डर नहीं चाहिए, मेरे लिए नया ऑर्डर लेकर आओ। लेकिन आप मेरी पूरी बात सुनिए। सुनो मेरे को तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ठीक है? जाओ मेरे लिए नया ऑर्डर लेकर आओ, मेरे को नहीं चाहिए। सर ये खाना गिरा हुआ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ये ऑर्डर चेंज कर दिया था, और इतनी इंसानियत तो मुझ में भी है कि अगर कोई इंसान ऐसे देखकर कुछ ऑर्डर कर रहा है तो उसको उसका सामान सही सलामत मिले, और यही मेरी ड्यूटी है। इसलिए उस टाइम मैंने रेस्टोरेंट में जाकर अपने पैसे से ही ऑर्डर किया था। अकॉर्डिंग आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप रेस्टोरेंट में एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ऑर्डर चेक कर लीजिए। ठीक है सर। वैसे एक बात बोलूँ, उस टाइम तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कस्टमर को समझना चाहिए, लेकिन जब बात खुद के ऑर्डर की आई तो अपनी बात से मुकर गए। लोग सच ही कहते हैं कि ज्ञान देना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद की होती है ना तब इंसान का असली चेहरा सामने आता है। उस टाइम जब आप मुझे समझा रहे थे तो मुझे लगा था कि आप समझदार इंसान होंगे, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। चलती हूँ सर।